ये है कौसानी का नाइट व्यू। हम जिस होटल में रुके हैं वहाँ से अभी अंधेरा है, इसलिए कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। कल मॉर्निंग में वहाँ से बिल्कुल सामने से हिमालयन दर्शन होता है। 6 साढ़े 6 बजे का आसपास का टाइम है सनराइज़ का, तो कल आपको दिखाएंगे हम मॉर्निंग में सनराइज़। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है कौसानी, जिसे इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। अभी सवेरे के 7 बज रहे हैं। हमने कोशिश करी सनराइज़ पॉइंट और टाइम लैप्स को भी कवर करने की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव इंडियंस में। आज की सुबह हो रही है कौसानी में और हमारे सामने है हिमालयन दर्शन। हमने जो होटल लिया है वहां से बिल्कुल क्लियर व्यू है हिमालय का। बाकी डिटेल आपको देंगे, अभी आप लोग मजे लीजिए सनराइज के। ठंड बहुत है, टेम्परेचर तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ कांप रहे हैं। कल शाम को हम लोग को बहुत लेट हो गया था, हमें ऐसा लगा कि सनसेट भी हम देख लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया था सनसेट देखना। तो मैंने मॉर्निंग का अलार्म लगाया हुआ था जल्दी का कि यार सनराइज तो देखना ही देखना है। और होटल में भी अभी 6 बजे के आसपास डॉक्टर को उठा दिया सनराइज के लिए, तो अच्छा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है कौसानी, जिसे इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। अभी सवेरे के 7 बज रहे हैं। हमने कोशिश करी सनराइज़ पॉइंट और टाइम लैप्स को भी कवर करने की, ठंड बहुत है इसलिए हमने कैप लगाई हुई है। रजाई हम लोगों की थी बिल्कुल, वहाँ उस पर ऐसा लग रहा था ना, ऊपर ओस ओस जम गई है। और यह पीछे देखिए हिमालयन दर्शन, ये पीछे है। हम जिस रिजॉर्ट में रुके हैं इसका नाम है हिमवादी, और ये देखिए बिल्कुल सामने हिमालयन दर्शन के बिल्कुल सामने है, अगर आपको दिख रहा होगा पीछे। आज कुछ मौसम क्लियर नहीं है, कुछ धुंध छाई हुई है और हम लोग को लग रहा था कुछ हल्की हल्की धुंध है, इस वजह से हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखते हैं दोपहर तक कुछ क्लियर दिखेगा, फिर उसके बाद हम लोग आज यहाँ से निकले गए अल्मोड़ा के लिए। बाकी वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम कौसानी की और भी जगह जो घूमते हैं वहाँ दिखाते हैं आपको कैसा है कौसानी, जिसे महात्मा गांधी जी ने नाम दिया था इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड।